काफ़ी मेहनत की, मछली तो नहीं मिली, भुट्टे मिल गए। तो हमने सोचा चलो भुट्टे ही खा लें। तो ये 3 भुट्टे हमने ऑर्डर किए हैं और इस लड़के को शाबाश है यार, इसने 3 भुट्टे हमें गिफ्ट कर दिए हैं। क्या खा तो देख के बोल रहे हैं यार, दुनिया देख रही है इस वक्त तेरे को यार। ये बड़ा जीदार लड़का है, हमारे साथ फिशिंग भी कर रहा था ये कुछ देर पहले, और अभी ये जो है ना हमें भुट्टे बना के दे रहा है। माशाल्लाह भुट्टे भी बड़े टाइट भुट्टे हैं यहाँ के। तो देखते हैं, जायका लेते हैं इन भुट्टों का, कैसा जायका है, खा के फिर आपको बताते हैं कि हमने मज़ा लिया कि नहीं लिया। फिशिंग के दौरान हमारी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से हुई, उसकी बातें आप सुने दंग रह जाएंगे। कम ऑन बेटा, आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये खड्डी लगा रहे हैं। कौन सी खड्डी? ये वाली। ये क्या है, जरा दिखाओ इसको कैमरे में, दिखाओ इसको जरा। इसको कैसे पकड़ते हैं? पत्थरों में से। पत्थरों में से पकड़ते हैं? पत्थरों में कैसे जाते हो आप? ये पत्थर। इस पत्थरों में से, ये पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, इन पत्थरों में से ये बच्चा जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, ऐसे ये 4 साल का बच्चा है, और आप ये देखें ये ज़िंदा ये निकाल रहा है, इसको आप देखो ये क्या चीज़ है, और इससे जो है ये फिशिंग हो रही है। तो ऐसे ऐसे तरीके हैं जो शायद हमें भी नहीं आते। यहाँ आके बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इन्जॉय होता है, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इस बच्चे की बहरहाल जहानत पे मैं कुर्बान। बेटा क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, उस्मान क्या करते हो? मैं यही निकालता हूँ। सिर्फ ये निकालते हो? फिर ये कौन है आपके? ये मेरे अब्बू है। ये आपके अब्बू हैं? वेरी गुड। और ये मछली पकड़ के आप क्या करते हो? बेच देते हो? वाओ, इन्होंने एक मछली पकड़ी है, माशाल्लाह दंदिया मछली है, जो तकरीबन आई थिंक 3 पाव, आधा किलो 3 पाव तो होगा ये दाना। मैं आपको दिखाता हूँ, और जो जिसने पकड़ी है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, उससे भी कुछ बात करते हैं। जी भाईजान, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद वाजिद। मोहम्मद वाजिद, कितने अरसे से आप फिशिंग कर रहे हो? 2 साल। 2 साल से? और तकरीबन दिन में कितनी मछली पकड़ लेते हो? तकरीबन 1 घंटे में 7-8 दाने पकड़ लिए। 7-8 दाने का मतलब ये हो गया कि कम से कम 2-2.5-3 किलो? 7-8 किलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये 7-8 किलो आप कितने में बेच देते हो? जो नसीब में होता है सर। फिर भी 1500-2000 में बिक जाती है। और इनके पकड़ी हुई मछली, बेटा दिखाना इनकी पकड़ी हुई मछली जो इन्होंने पकड़ी है, निकालना ज़रा। ये भी आपको दिखाते हैं कि इन्होंने जो ये मछली पकड़ी है, दुम से पकड़ के जो ना बाहर निकाल। बेटा पीछे हो जाओ आप, ये आप देखें कि माशाल्लाह दाना पकड़ा है इन्होंने, ये तकरीबन कम से कम 3 पाव किलो होगा इंशाल्लाह। और ये भी, ये इनका बेटा है, ये 2 बच्चे हैं यहाँ पर, और ये मछली पकड़ रहे हैं, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं कीड़े पकड़ने में, और ये साहब जो है ना मछली पकड़ने में जुटे हुए हैं। पानी का बहाव कम है लेकिन गुजर बसर सेट है। आपको पता कैसे नजर आएगा?
हेलो व्यूअर्स, यकीनन आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो देर मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए आने वाले हमारे चैनल पर बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप सब लोगों तक पहुंच सके। अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का बहुत बहुत रखिए ख्याल और हबीब रजा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगेबान।